अब खबर पंजाब से, जहां मोगा में वायुसेना का मिग 21 फाटा प्लेन क्रैश हो गया है। इस हादसे में पायलट अभिनव चौधरी की मौत हो गई है। यह हादसा मोगा के गांव लंगियाना के पास तब हुआ जब ये प्लेन जगराव के पास इनायतपुरा में प्रैक्टिस कर वापस सूरतगढ़ राजस्थान जा रहा था। गनीमत यह रही कि जहाज गांव के घरों से महज 500 मीटर की दूरी पर खेतों में जा गिरा, जिसका आन जान और माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। दुर्घटना की खबर मिलते ही भटिंडा एयरफोर्स स्टेशन और हलवारा एयरफोर्स स्टेशन से वायुसेना की टीमें पहुंची। मोगा के SSP हरमनबीर सिंह गिल मौके पर पहुंचे और पायलट को ढूंढने के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया। उन्होंने बताया कि मौके पर ही भटिंडा एयरफोर्स और हलवारा एयरफोर्स की टीमें भी पहुंच गई थी, जिन्होंने पायलट अभिनव चौधरी को ढूंढना शुरू किया और करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद पायलट अभिनव चौधरी का शव खेतों में मिला। तो ये आपको बता दें, वायुसेना का मिग 21 प्लेन क्रैश हुआ है और दुखद पहलू ये रहा कि इसमें पायलट की जान चली गई है। हालांकि ये बड़ा हादसा और ज्यादा हो सकता था अगर ये रिहायशी इलाके में यानी कि ग्रामीण एरिया में गिरता, लेकिन 500 मीटर दूरी पर ये मिग 21 क्रैश हुआ। प्रैक्टिस सेशन के दौरान ये पूरा हादसा हुआ है और प्रैक्टिस कर वापस राजस्थान की तरफ मिग 21 लौट रहा था जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ है। पायलट अभिनव चौधरी की इस हादसे में मौत हो गई है। 4 घंटे की मशक्कत के बाद यहाँ पर पायलट का शव खेतों से बरामद किया गया। गांव से कुछ दूरी पर ये फाटर प्लेन गिरा पा गया। तो ये बता दें आपको, प्रैक्टिस सेशन था और इसी दौरान यहाँ पर ये पूरा दुखद हादसा हुआ जिसमें पायलट अभिनव चौधरी की जान चली गई है। 4 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद, 4 घंटे की मशक्कत के बाद यहाँ पर पायलट का शव जो है खेतों से बरामद किया गया। ये आपको बता दें, मौके पर ही भटिंडा एयरफोर्स और हलवारा एयरफोर्स की टीमें पहुंची थी, जिन्होंने यहाँ पर पायलट को ढूंढना शुरू किया और उसके बाद 4 घंटे बीतने के बाद पायलट का शव खेतों से बरामद हुआ। तस्वीरें इस वक्त कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। ये उसी मिग 21 प्लेन का मलबा है जो उस हादसे का शिकार हुआ।